अगर आपने इस वीडियो को क्लिक करा दैट मींस आप भी अपने स्ट्रेच मार्क्स से परेशान हैं, तो मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आपको जरूर जानने को मिलेगा कि भाई ये क्यों होता है और इसके लिए बेस्ट रेमेडी क्या है। कोई भी पार्ट आप इसके बीच में से स्किप ना करें। हेलो गाइज, दिस इज मानस एंड यू वॉचिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री। गाइज, हमारे चैनल पे हम हेल्थ, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। अगर आप फ्यूचर में हमारी किसी भी तरह की, स्पेशली इन तरह की वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं, तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड गाइज, करेंटली मैं अपना खुद का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ। मेरा गोल है 20 वीक्स में अपने इस फिजिक को ऋतिक रोशन के इस फिजिक जैसा बनाना। अभी इस सीरीज में करीब 4 वीडियोस आ चुकी हैं और मैं चाहूंगा इन 4 वीडियोस को आप जाके जरूर एक बार देखें। इन वीडियोस को मैंने एक प्लेलिस्ट में डालकर, उस प्लेलिस्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन में मेरा ये मेन गोल है आपको बताना कि घर के ही खाने में, एक चीपेस्ट बजट में, एक स्टूडेंट बजट में आप अपना बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं स्ट्रेच मार्क्स के बारे में। लेकिन बिफोर दैट लेट्स रोल द इंट्रो। तो स्ट्रेच मार्क्स को लेकर काफी लोग कंसर्न में रहते हैं, मैं भी कंसर्न में रहता था, तो मैं समझ सकता हूं कि आपको कैसा फील होता है जब आप अपने स्किन पे स्ट्रेच मार्क्स देखते हैं। आपको लगता है कि किसी तरह से आपकी ब्यूटी को ये कम कर रहा है। लेकिन प्लीज वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, आपको इस पे प्राउड फील होगा, इवन इसका जो रेमेडी है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो स्ट्रेच मार्क्स है वो किन किन लोगों को होता है और क्यों होता है। सबसे पहला यहाँ पे हमारा जो है जेंडर होता है, यानी फीमेल में जो स्ट्रेच मार्क्स आने की टेंडेंसी होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। दूसरी चीज यहाँ पे होती है जेनेटिक्स, यानी अगर आपकी ऊपर वाले जो जनरेशन, आपकी फादर्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके जनरेशन में अगर स्ट्रेच मार्क्स की जो टेंडेंसी है थोड़ी ज्यादा थी, तो चांसेस है कि आपके स्ट्रेच मार्क्स होने के चांसेस भी थोड़े से ज्यादा होंगे। नेक्स्ट चीज यहाँ पे आती है प्रेगनेंसी, यानी जब भी एक फीमेल प्रेगनेंट होती है तो उसके बेली के अराउंड स्ट्रेच मार्क्स आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट थिंग आता है एडोलेसेंस, यानी जब भी बच्चा ग्रो होता है, जब जिस स्टेज में उसकी रैपिड ग्रोथ होती है, उस वक्त भी उसको स्ट्रेच मार्क्स अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट थिंग है जब आपका रैपिड वेट लॉस या वेट गेन होता है, तब भी आपको स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि जब भी आपके स्किन का रैपिड स्ट्रेच होता है, उस वक्त आपकी स्किन पे एक लाइन सी पड़ जाती है जिसको हम स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं। एंड वैसे जब आपका रैपिड वेट लॉस होता है तो आपकी स्किन जो है आपकी बॉडी के श्रिंक होने के रेट के साथ कोप अप नहीं कर पाती है, वहां पे भी आपका स्ट्रेच मार्क आ जाता है। अब स्ट्रेच मार्क मेनली आपके कुछ एरियाज होते हैं जहां पे ज्यादातर देखने को मिलता है। सबसे पहले आपके आर्म्स के अराउंड, यानी इस आर्मपिट एरिया के अराउंड, इस चेस्ट एरिया के अराउंड, इस रीजन में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। आपकी बेली पे, आपके थाइस पे, आपके बटक्स में, फीमेल के केस में बात करें इवन ब्रेस्ट पे भी आपको स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलता है। तो स्ट्रेच मार्क्स जब भी आपके इनिशियली आते हैं, एक पतली सी लाइन आती है जो कि आपका लिटिल पर्पलिश या फिर रेडिश कलर का दिखता है, एंड टाइम के साथ ये फेड होता रहता है और ट्रांसलूसेंट हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा फेड हो जाता है, मतलब मुश्किल से वो दिखता है। सो जो जिम करने वाले लोग होते हैं वो अपने स्ट्रेच मार्क्स को लेकर काफी परेशान रहते हैं, स्पेशली उनके आर्मपिट के अराउंड, अपने चेस्ट के अराउंड, इस कॉर्नर में ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, तो वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो मैं बता दूं यार, ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं बल्कि प्राउड होने वाली बात है, आपकी मेहनत को ये दिखाता है। ऐसा नहीं कि भाई जिंदगी में किसी को स्ट्रेच मार्क्स आए ही नहीं है, इवन आपको भी लग रहा होगा कि भाई मेरे स्ट्रेच मार्क्स नहीं है, मेरे आर्म्स को देख के अगर मुझे पता नहीं कि इस व्यू से आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बट आपको लग सकता है कि मेरे स्ट्रेच मार्क्स नहीं है। लेकिन मैं आपको अगर थोड़ा सा इसका जूम्ड इन व्यू दिखाऊं, आप यहां पे देख सकते हैं कि मेरे कितने सारे यहां पे स्ट्रेच मार्क्स हैं। इवन यहां पे भी कैमरा व्यू में आप इतना देख नहीं पा रहे, अगर आप मुझे फेस टू फेस सामने देखेंगे आपको और ज्यादा मेरे बाइसेप्स में स्ट्रेच मार्क्स नजर आएंगे। इवन मेरे स्ट्रेच मार्क्स मेरे शोल्डर पे भी है, मेरे चेस्ट एरिया में भी है, लेकिन आपको फोटोज में, कैमराज में इतना नजर नहीं आता। एंड अगर वो स्ट्रेच मार्क्स थोड़ा सा पुराना हो गया, वो फेड हो चुका होता है, ट्रांसलूसेंट हो चुका होता है, वो इतना नहीं दिखता है। वो जब नया नया आता है थोड़ा सा पर्पलिश रेडिश टाइप का दिखता है, वो जो उसका मीडियम स्टेज होता है वहां पर थोड़ा सा ज्यादा दिखता है। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, किसी भी तरह से आपकी ब्यूटी को कम नहीं कर रहा है, बल्कि आपको प्राउड होना चाहिए इस बात पर कि भाई आपने इतनी मेहनत करी, ये आपके डेडिकेशन, आपके हार्डवर्क को शो करता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसके रेमेडी के पीछे भागते हैं, सोचते हैं कि किसी भी तरह से मैं कुछ ऑयल्स, कुछ ऑइंटमेंट्स, कुछ ना कुछ करा के मैं इसको कंप्लीटली डिसअपीयर करवा सकता हूं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, द फैक्ट इज इसको आप कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं करा सकते। द बेस्ट सॉल्यूशन, द बेस्ट रेमेडी इज
आप वेट करें। जैसे कि मैंने बताया कि ये टाइम के साथ फेड होता है और ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है, मतलब इतना ऑब्जर्वेबल, इतना नोटिसेबल नहीं होता है। एंड जो प्रोडक्ट्स आते हैं, डिफरेंट ऑयल्स, ऑइंटमेंट्स जो भी आते हैं, जो कि क्लेम करते हैं आपको ये डिसअपीयर करवा देंगे, वो डिसअपीयर नहीं करवा सकते। बहुत ही कम स्टडीज, बहुत ही कम प्रूफ है इसको सपोर्ट करने के लिए कि आपके जो स्पीड ऑफ फेडिंग है, यानी जल्दी से उसको फेड करवा सकता है। सो द बेस्ट आइडिया इज, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप वेट करें। कुछ महीने आपको लग जाएंगे, 2-2.5-3 महीने, उसके बाद अपने आप वो फेड हो जाएगा। तो आपको इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये आपको लॉन्ग टर्म में किसी भी तरह की हार्मफुल इफेक्ट आपकी बॉडी में शो नहीं करेगा। जैसे कि मैंने बताया, आपको इस चीज पे प्राउड होना चाहिए, आपने इतनी मेहनत करी है, आपने इतना हार्डवर्क करा है कि आपके स्ट्रेस मार्क्स आपकी बॉडी पे है। सो अगर आपके सेटिस्फेक्शन के लिए आपको लगता है कि मैं कुछ ऑइंटमेंट, कुछ ऑयल लगाऊंगा और स्ट्रेस मार्क्स मेरे डिसअपीयर हो जाएंगे, तो आप प्लीज उनको लगाएं। लेकिन ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको फैक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं होगा। जो आपके घर में कोकोनट ऑयल वगैरह होते हैं, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा आपकी बॉडी के लिए, और आपने कोई एक्स्ट्रा पैसा भी स्पेंड नहीं करा है इसको गायब करने के चक्कर में, जबकि आपको पता है कि ये गायब कंप्लीटली नहीं हो सकते। सो ये थी आज की सारी वीडियो। होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अपने दोस्तों की जरूर मदद करें, फालतू में किसी ऑइंटमेंट्स, किसी ऑयल के पीछे पैसा वेस्ट करने से जरूर बचाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर रहे हैं उनके हेल्प करने के लिए। सो विद दिस, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज मानस, टेक केयर।